तो गाइस ये है बोट की वेब नियो जो कि एक स्मार्ट वॉच है, एंड मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि इस स्मार्ट वॉच में आपको कैसे कैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी आपको देखने को मिलती है एंड मतलब वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है या नहीं। तो लगभग आपको 2000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में ये वॉच देखने को मिलती है। तो जो स्मार्ट वॉचेज होते हैं वहाँ पे प्राइस जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है इसकी प्राइस। बाय द वे मैंने इसको 2000 रुपीज़ में इसको ऑर्डर कर रखा था, एंड इस वीडियो में आपको इसका मतलब टोटली जितनी चीज़ें इसके बारे में सब बता दूंगा, एंड आपको लास्ट में ये भी बताता हूँ अगर आपको वेब नियो अच्छी लग रही है तो आप इसको ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको कुछ ऐसा स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगा बोट का, एंड इसके नीचे एक बॉक्स है जिसके अंदर इस पे इसका चार्जर आपको देखने को मिलेगा, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे करने के बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच को पहले मैं निकाल लेता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि अच्छा है, एंड यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल्स एंड बस आपको ढेर सारी यहाँ पे पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी जो कि किसी काम की नहीं है क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं इस स्मार्ट वॉच को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसका जो स्ट्रैप है आपको रबर में देखने को मिल जाएगा, एंड ये आपको जो इसका लॉक होता है ये प्लास्टिक में देखने को मिल रहा है, एंड इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है। तो देख सकते हो डिस्प्ले इसकी काफ़ी अच्छी है, एंड यहाँ पे पीछे आपको दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा, बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको चार्जर को चार्ज करना है, मतलब अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो यहाँ से कनेक्ट कर चार्ज कर सकते हो, एंड आपको नीचे कुछ हाईलाइट्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि सारे हाईलाइट्स इसकी जो स्पेसिफिकेशन है सारे बॉक्सेस पे हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर, एंड यहाँ पे आपको ढेर सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, कॉल टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, स्लीप मॉनिटर एंड मल्टीपल स्पोर्ट मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ एंड आपको वॉच के अंदर ले चलता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ब्राइटनेस काफ़ी लो है, मैं पहले मैं इसको इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 20% है जो कि 100% मैंने कर लिया। अब आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। तो देख सकते हो पहले मैं आपको वॉच फेसेस दिखा दूँ, तो जो कस्टम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 4 वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऐसे वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं जो कि अच्छे हैं, एंड यहाँ पे आपको मेन मेन्यू मिले चलो तो स्क्रोल करेंगे यहाँ पे तो आपको मेन मेन्यू देखने को मिल जाएगा जिसपे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट मोड्स हो गया, एंड यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो सारी एक्टिविटीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हार्ट रेट अगर मॉनिटर करना चाहते हो तो हार्ट रेट आप मॉनिटर कर सकते हो, एंड इस पर क्लिक करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप भाई तो ये आपका मतलब जो स्पोर्ट तो हेल्थ से रिलेटेड ये सारे मोड्स हैं, एंड यहाँ पे दिखाऊँ तो ये चैट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप तो इस पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैसेज जो होंगे आप कनेक्ट करने के बाद वो सारे यहाँ पे आपको शो करेंगे, एंड नाइट मोड का फीचर यहाँ पे दिया गया है, एंड यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी मस्त सा फीचर है जो कि ब्रीथिंग में काम आता है, जैसे मेडिटेशन करना चाहते हो ना तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, यूज़ करोगे थोड़ा मतलब प्रॉपरली मेडिटेशन कर सकते हो इसके हेल्प से, एंड स्टॉप वॉच आपको देखने को मिलेगा, अलार्म देखने को मिलेगा, फ्लैशलाइट एंड फाइंड माय डिवाइस, कैमरा कंट्रोल एंड सेटिंग्स लास्ट। तो सेटिंग में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, एंड रेस्ट टू वेक का फीचर आपको पता होगा कि आप अगर हाथ को ऐसे करते हो तो आपका स्मार्ट वॉच ऑन हो जाना चाहिए, तो वही फीचर है रेस्ट टू वेक, इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये सारे फीचर हैं ये बोट वेब नियो के। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मतलब अगर एक स्मार्ट वॉच लेना है तो आप इसको ले सकता है, इसके बारे में बता दिया, ये 2000 रुपीज़ तक आपको देखने को मिल जाता है। एंड फाइनली मैं आपको बताऊँ अपना ओपिनियन कि ये स्मार्ट वॉच अच्छा है या नहीं है। भाई काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है, काफ़ी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहा है, एंड यहाँ पे प्लास्टिक
एंड साइड में आपको मेटल देखने को मिलता है। तो अच्छा स्मार्ट वॉच है, अगर आप लेना चाहते हो 2000 रुपीज़ तक आप इसको ले सकते हो। तो ये वीडियो था बोट वेव नियो के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।